सर ये देखिए, ये रेगुलेटर है, ये इतने सारे रेगुलेटर हैं जो रिपेयर करने के लिए मेरे पास आए हैं। ये देखिए, ये माटा का जल्दी हो नहीं पाता है, बट ये कहो ये माटा का ही है, लेकिन कुछ हद तक तो बन ही सकता है, क्योंकि स्पेयर पार्ट नहीं मिल पाते हैं इसके। लेकिन मैं जो है ये मन के शेयर नहीं था, लेकिन जो है ये माटा में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये देखिए हैं रेगुलेटर्स सारे, टोटल 5 रेगुलेटर है, 5 रिपेयर होने के लिए आए हैं मेरे पास। तो हम इसको रिपेयर कैसे किया जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं पहले शुरुआत करता हूँ, ज़्यादा कंडीशन ख़राब है इसकी, ये वाले की, मैं इसको पहले रिपेयर करता हूँ। तो इससे सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका ये इसको जो है निकाल लेंगे, ढीला करके। देखिए घड़ी सब खराब हो चुकी है फिलहाल। देखिए घड़ी यहाँ से मेरे पास तो है नहीं, बट मैं इसको कुछ कहीं से ना पैसे जो है इसको बना दूँगा काम चलाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाना लेंगे, ये एडजस्टिंग पाना है, तो इसको लेंगे। उसके बाद इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे। इसको खोलने में आसानी तब होगी जब हम इसको गैस में अपने बांध देंगे। ये मेरा है CO2 गैस, इसको हम इसमें, तो इस तरह से देखिए टाइट हो चुका है इसको। और इसको चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे ऐसे सब साफ करना है, एक बार हेड साफ़ कर दूंगा इसका तो सही हो जाएगा। वैसे आप चेक भी कर सकते हैं चाहे तो ऑन करके गैस। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, फिर इसको खोलेंगे, तो फिर आइए इसको खोलते हैं इसको। ये देखिए इसको खोल रहे हैं, देखिए खुल चुका है। और इसको देखिए बचा के अंदर से ये निकले ना, क्योंकि एक बार ये सेटिंग प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन वैसे ये भी सही हो जाता है, बट जो है इसकी प्रॉब्लम ना आए तो बेटर है। उसके बाद ये है आपका, देखिए हम लोग वैसे आते हैं इधर आपके पूर्वांचल क्षेत्र से, और पूर्वांचल क्षेत्र में इसका जो है स्पेयर पार्ट जल्दी मिल नहीं पाता है। तो इसको मैं देखिए, मैं अपने ओपिनियन से मैं इसको, मैं मेरी जितनी भी मशीनें हैं, 4-5 मशीनें मेरे पास है, मैं अपना रिपेयर करके चलाता हूँ। और वैसे कंपनी वालों से बोलोगे तो आप वो सीधे कह देंगे कि इसको आप चेंज कर दो, दूसरा ले लो, क्योंकि ये रिपेयर हो जाता है सारा का सारा। अब नहीं लोगे आप, वो भी कुछ दिन चलेगा तो वो जाम हो जाएगा, CO2 में जो कचरा भरा रहता है उसकी वजह से ये जाम हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, तो देखिए इसको पहले, उसके बाद फिर देखिए ये लेंगे आपको, आपका 16-17 का पाना, ये 17 नंबर पाना इसको लगाएंगे, इसको खोलेंगे और दोनों ऐसे खोल देंगे इसको। इसको अच्छे से देखिए भरें, इसके अंदर इसका ये स्प्रिंग होता है और आपका ये होता है, ये दोनों सेम यही है। इसको भी ऐसे खोल लीजिए, तो ऐसे ऐसे देखिए दोनों खुल गया है। तो इसमें चिमटी लेंगे, चिमटी लेके ये स्प्रिंग निकाल लेंगे, और ये भी स्प्रिंग को निकाल के अच्छे सुरक्षित से रख देंगे। ये देखिए इसमें, देखिए ये सब कार्बन है, इसको साफ़ करना पड़ेगा अच्छे से। इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, उसके बाद इसको साफ़ करके अच्छे से इसको लगा दीजिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देखिए ये मेरा ख़राब है और इसको ख़राब है, दोनों मैं खोलूँगा, इसको खोल के दोनों घड़ी को
रिपेयर करूँगा। इसको खोलना नहीं चाहते तो यहाँ से निकाल लीजिए इसको। देखिए इसको आप अच्छे से स्क्रू ड्राइवर से खोल लीजिए छोटा सा लेके। इसके बाद ये देखिए ये पीछे से इसका बोल्ट है छूट गया है, तो इसको हम इस पर पीछे लगता है तो ये दो नट लगते हैं, दो नट जो है, तो इसके लिए हम उसको ढीला करेंगे पीछे की तरफ। इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे। देखिए इसका दोनों बोल्ट खुल गया है, तो इसका दोनों बोल्ट लगा देंगे नट को, स्क्रू ड्रॉ लगता है जो। इसके बाद मुझे इसी तरह इसको निकाल लेंगे सारा का सारा, इसको खोल लेंगे जैसे ये है, इसको अच्छे से खोल लेंगे। इसके बाद इसको भी ऐसे खोल लेंगे, खोल के इसको साफ़ करके और अच्छे से इसका सब कुछ टाइट करके लगा देंगे तो ये प्रॉपर काम कर जाएगा। 90% काम कर जाएगा, 10% होता है जो काम नहीं करता, लेकिन अगर जब इसके बाद भी ना काम करे तो आप न्यू लगा दे ही दीजिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं प्रॉपर इसको रिपेयर करता हूँ। करने का तरीका है कि इसको आप जो है पहले ये दोनों स्क्रू होते हैं जो, ये स्क्रू को आपको खोल लीजिए, उसके बाद ये घड़ी इसको निकाल लीजिए सुई को, उसके बाद फिर इसको ये निकलेगा। तो ये मैंने स्क्रू खोल लिया है, इसको खोलने के बाद ये इसको आप निकाल लीजिए और निकालने के बाद इसको सीधा करके फिर लगा दीजिए। खुल गया तो इसको हम क्या करेंगे, इसको साफ कर लेंगे अच्छे से, इसको सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद फिर इसको अच्छे से बैठा देंगे, इस ग्रुप में कस देंगे। रेगुलेटर देखिए बन गया है, इसमें अब मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए गैस ऑन किया लेकिन ये काम नहीं कर रहा, तो इसको मेरे को बदलना पड़ेगा। मैंने बनाया लेकिन ये काम नहीं कर रहा था पर, तो इसको मुझे बदलना पड़ेगा। तो फिलहाल उसके बाद फिर देखिए ये मैं गैस चेक कर रहा हूँ, गैस मेरा जो है सही है, इसको लगा देता हूँ टप को। देखिए प्रॉपर इस तरह से ये लग चुका है, इसको हम देखिए गैस चेक करते हैं। देखिए ये हमारा कांटा देखिए कैसे ले रहा है, इतना भी टाइट करेंगे इस हिसाब से। ये देखिए ढीला कर देंगे और इसको देखेंगे फिर, देखिए ले रहा है 50 PSI तक जा रहा है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।